देश भर में कांग्रेस का पतन जारी है। इस बार कांग्रेस के लिए बुरी खबर असम से है। असम में कांग्रेस को अब तक का सबसे बड़ा झटका लगा है। ऑल इंडिया महिला कांग्रेस की अध्यक्ष रह चुकी सुष्मिता देव ने पार्टी से नाता तोड़ लिया है। उसके बाद ट्विटर के बायो से कांग्रेस हटा दिया और पूर्व कांग्रेस नेता कर दिया। इसके बाद उन्होंने कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी को अपना इस्तीफा भी सौंप दिया है। बताया जा रहा है कि सुष्मिता देव पार्टी से काफी लंबे समय से नाराज चल रही हैं। विधानसभा चुनाव के दौरान भी उनकी नाराजगी सामने आई थी। असम चुनाव के समय मार्च में भी सुष्मिता देव के पार्टी से इस्तीफा देने की खबर सामने आई थी। हालांकि उस समय इन खबरों को अफवाह बताया गया था। कांग्रेस ने मीडिया के एक वर्ग में सुष्मिता देव के इस्तीफे को लेकर आई खबरों को खारिज करते हुए कहा था कि महिला कांग्रेस की प्रमुख पार्टी के साथ है। AIUDF के साथ सीट बंटवारे पर पार्टी नेताओं में मतभेद के बीच सुष्मिता के इस्तीफे की खबर आई थी। वहीं असम में कांग्रेस नेताओं का पार्टी छोड़ने का सिलसिला लगातार जारी है। कुछ दिन पहले कांग्रेस के पूर्व विधायक सुशांत बोरगोहेन बीजेपी में शामिल हुए थे। बोरगोहेन के बीजेपी में शामिल होने से पहले जब हेमंत बिस्वा सरमा के नेतृत्व वाली सरकार बनी थी तब चार बार के विधायक रूप ज्योति कुर्मी जो कांग्रेस में चाहे जनजाति समुदाय के एकमात्र विधायक थे उन्होंने भी कांग्रेस छोड़ बीजेपी का दामन थाम लिया था। तब से ही अंदाजा लगाया जा रहा था कि असम में कांग्रेस बड़े पैमाने पर टूट सकती है और अब सुष्मिता देव ने पार्टी छोड़कर कांग्रेस को बड़ा झटका दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।